Hello everyone, good afternoon to all. I am Epi Naik. Now we are going to study density of unit cell class 12 solid state. ये solid state रो आउ गोटे important topic जोटा कि density of unit cell and ये एथिपे important कारण एथिरो जदि question करा जाए ताहले प्रति question यार बहुत important है so that carefully check करिबो यार formula and कैलकुलेशन बहुत इजी ट्राई करिबो सॉल्व करिया पे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बा गोटे यूनिट सेल रो बीसी सो एफसी सो एससी सो जो कोनो से यूनिट सेल रो कौन हो छि कि हमें त डेंसिटी बाहर करिबा अर्थ तर वेट बाहर करिया गोटे यूनिट सेल रो सिंपल क्यूबिक हो बॉडी सेंटर्ड हो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जहाँ भी हेल्ले आम कौन बाहर करा डेंसिटी बा वेट बाहर करा से यूनिट सेल रो ओजन केते से बाहर करा पड़ो तो तुम्हें जान ये सिंपल क्यूबिक जदि आर वेट केते पचारा ताहले आम के फर्मुला पक बाहर करवा डेंसिटी जदि केते पचारा ताहले के फर्मुला पक बाहर कर यूनिट सेल पाई जो फर्मुला अच्छे से बहुत स्मॉल फर्मुला जोटा कि जेड इंटू एम बाय ए क्यू इंटू एन ए और जेड जगह तुम्हें एन पक बिकज जेड जहाँ एन ताहा एंड एम को एम बाय ए क्यू इंटू एन ए ग्राम पर सी एम क्यू जेड और एन अर्थ हो नंबर ऑफ एटम देख नंबर ऑफ एटम जो कथ कहुए जेड और एन जेड जहाँ एन ता नंबर ऑफ एटम जदि मन कर सी सिंपल क्यूबिक यूनिट से लेव तार जेड मुन कही बीसीसी रो जेड हो टू एंड एफसीसी और सीसीपी रो जेड हो ट्वेल्व राइट एंड जो एससीपी नि तर जेड हो सिक्स बोधे क्लियर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रो जेड हो सिक्स एंड एफसीसी एंड सीसीपी रो जेड सॉरी फोर सॉरी सॉरी फोर क्लियर तो सिंपल क्यूबिक रो वन बी सी सी रो टू एंड एफ सी 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 रो फोर एंड एस सी रो अच्छे सिक्स जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देला ताले तार जेड हो सिक्स तो वेरी इंपोर्टेंट एम कौन ऑटोमिक मास और मोलर मास बेले बेले ये गिवन था एंड तुम्हें फॉर्मूला पक यूज कर बाहर कर पार ए क्यू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो ए क्यू कौन एंड ए कौन ए हो एड्स लेंथ ऑफ यूनिट सेल माने ए जो यूनिट सेल अच्छे एटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एटा को कहते हैं एल क्लियर एटा भी ए सेम सब जगह ए तो एड्स लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड एन ए होची अवोगाड्रोस नंबर जोड़ा कि हम जानी छे 6.0223 इंटू 10^23 क्लियर तो ये जो फर्मुला अच्छे फर्मुला बेस्ड तुम जो क्वेश्चन आंसर करते ही मानते फर्मुलार वैल्यू बुझीपर नहीं ये कहीं इम्पोर्टेंट थी एंड बहुत छोट फर्मुलाटे मन रखीद मास ऑफ यूनिट सेल रो फर्मुला हो जेड इंटू एम जेड एवं कहली कौन कौन जदि मास ऑफ यूनिट सेल बार करवा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल रो फर्मुला हो सांद्रता एंड मास ऑफ यूनिट सेल जदि बाहर करिबा ताले जेड इंटू एम क्लियर जेड इंटू एम तो एम एटॉमिक मास और मोलर मास क्वेश्चन देखो एंड एलिमेंट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को फोकस करो एंड सब इंपोर्टेंट हूँ क्वेश्चन आंसर आम नोट रे किसी ना कहार भी एग्जाम नोट लिखापी कह एग्जाम क्वेश्चन आंसर लिखापी कह तो तुम्हें से फोकस करो सब क्वेश्चन रो आंसर कौन हम एंड हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन क्वेश्चन देसी एंड एलिमेंट विथ डेंसिटी 11.0 ग्राम पर सीएम रा इनवर्स 3 तो जो देसी एटे डेंसिटी दे ऑलरेडी सी कहि फॉर्म ए एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी लैटिस विथ एड्स लेंथ दे दीची 4 × 10⁻¹ सेंटीमीटर कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एलिमेंटर एटॉमिक मास कितने बाहर करे कही अर्थ जदि हमें ये सर्टकट मुझे करदे जदि जेड इंटु एम डेनसीटी डी इज इक्वल टू जदि जेड इंटु एम
बाय ए क्यू इंटु एन ए होगा तेल गिभेन कौन कौन दे देख जेड नंबर ऑफ आटम किमि जना पड़ जेहेतु ये एफ सी सी फेस सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल आर जेड एवं मुझे फोर तमें एटे डी इज इक्वल टू फॉर्मूला पकेब जेड इंटु एम बाय ए क्यू इंटु एन एम जेहेतु डेनसीटी दे 11.2 एटे 11.2 पकेदेव देन जेड जेड के देची 4 इंटु सी कही कैलकुलेट द ऑटोमिक मास ऑफ एलिमेंट ऑटोमिक मास पचार तो एम पचार ए क्यू एटे एर्थ लेंथ जोड़ा कौन से एर्थ लेंथ बा एर्थ लेंथ दे के 4 इंटु 10 टू पावर माइनस 8 सीएम क्यूब कारण ये क्यूब अच्छे क्यूब हम एंड आभागार नंबर एवं कही 6.023 10 टू पावर 23 क्लियर एंड आमको दरकार एम तो देख ये किसी ना लिखित अच्छे एक अच्छे एंड फॉर्मूला पकड़ ए एम टा कौन कर 4 इंटु एम इज इक्वल टू 11.2 इंटु 4 इंटु 10 टू पावर माइनस 8 रो होल क्यू देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम है 6 × 023 इंटु 10 टू पावर 23 बस मास इज इक्वल टू 11.2 इंटु 4 इंटु 10 टू पावर माइनस 8 रो पावर 3 इंटु 6.023 एंड 10 टू पावर 23 ए जो 4 टा ये मल्टीपल होता ये भी कौन हो डिवाइड हो राइट बाय 4 एंड 11.2 देख यार जी क्यूब हम कारण ये होल क्यूब अच्छे यार क्यूब हेल्ले कले 4 चौक 64 इंटु 10 टू पावर माइनस 8 रो 3 हेल्ली मैंने 10 टू पावर माइनस 24 इंटु 6.023 इंटु 10 टू पावर 23 देख 10 टू पावर माइनस 24 एंड 10 टू पावर 23 कथे आसब 10 टू पावर माइनस 1 हो जाए बाय 4 11.2 इंटु 64 10 टू पावर माइनस 1 इंटु 6.023 बाय 4 तो 11.2 64 इंटु 6.023 ये सब मल्टीप्लिकेशन कले आस 4317.2864 इंटु 10 टू पावर माइनस 1 बाय 4 एंड या समाधान कले आस देख 10 टू पावर माइनस 1 टाक तुम चाहिए कौन कर तल कले 10 होगा ये मैथ्रे तुम जाच है बाकी मैथ सार तुम कही थे तो 1.1079 इंटु 10 टू पावर माइनस 1 बस एति की ही भाग कर तो ये लंबा देते जस्ट एति की भाग कर देन जी आसला 107 एक तल को आनीदे बैक करदे कौन हम कित हम देख डिवाइड कले 1079 बाय 10 होटा तल को पलि आस तो के 1079 पॉइंट लग बाय 10 कले पॉइंट लग 1079 ग्राम सीएम है जेहेतु सी आम कौन पचार मोलर मास पचार तो मोल इनवर्स क्लियर तो ये हूँ तार आंसर ने नेक्स्ट क्वेश्चन कही द डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल इज 80.95 ग्राम सीएम रो इनवर्स दी इफ द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज 127.8 पिकोमीटर इज द जदि डेनसीटी देला एति देख डेनसीटी देला एति रेडियस दे देला 127.8 पिकोमीटर एंड सी पचार रेडियस होची एंड डेनसीटी जदि एति होची ताहले इज द
ये जो यूनिट सेलटा ये सिंपल क्यूबिक ना ये बॉडी सेंटर ना एफसीसी स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये ना बॉडी सेंटर ना क्यूबिक बीसीसी ना सिंपल क्यूबिक ना एफसीसी तुम्हें भी कहवाक पड़ो कारण डेनसीट दे अलरेडी डी दे 8.95 एंड जो ये जो आर दे रेडियस दे 127.8 पिकोमीटर। देखो ये बहुत इंपोर्टेंट माने क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन रु तुम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देख कौन करिया पड़ो तो से फास्ट कौन करिया पड़ो कि जो दे कौन दे क्वेश्चन हाँ डेंसिटी बाहर ये बाहर कर सिंपल क्यूबिक ना बॉडी सेंटर। ओके कौन कर देख गिवन दैट लिख कौन कौन गिवन देते डेंसिटी दे 8.95 ग्राम सीएम रो इनवर्स 3 तो दे एट पॉइंट नाइन फाइव देन दी रेडियस 127.8 पिकोमीटर देन दी आर देला देन देख से मास दे के देख एम इज इक्वल टू देख देखी एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.54 ग्राम मोल इनवर्स। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भलसे देख कौन हो कौन कर फास्ट्रे इन द क्वेश्चन जदि मन कर देख आम फास्टे सिंपल क्यूबिक कथ देख सिंपल क्यूबिक गोटे फर्मूला थिला ए इज इक्वल टू टू आर ए इज इक्वल टू टू आर अर्थ ए जदि आम जानवा चाहे सिंपल क्यूबर टू आर तो ये तो देदेगी आर रैल्यू 127 जदि मन सिंपल क्यूबिक होता है पारे एमती टेस्ट कराव जो सिंपल क्यूबिक जदि होता है पारे तो कौन हम तो ए इंटू टू आर मूल्य कारण आम जानी ये सिंपल क्यूबिक हम ना बॉडी सेंटर हम कि डेंसिटी आर दे क्लियर तो यहाँ मल्टीप्लाई कला 278 मल्टीप्लाई कला 255.6 पिकोमीटर हम ये फास्ट केस गला माने ए पलै आसला देन ए पलैला आमको दरकार। अच्छा सिंपल क्यूबिक जेड हो क्लियर जेड है वन तो डेनसीट पर फर्मूला हो जेड इंटु एम बै ए क्यू इंटु एन ए तो जेड जेड के वन है एंड मास 63.54 क्वेश्चन दे बै ए क्यू कर ए क्यू 2.556 रो 2.556 रो होल क्यूब क्लियर कौन कर होल क्यूब कारण ए क्यू इंटु आभागर नंबर हूँ 6.02 इंटु 10^23 क्लियर एंड सबुठ इम्पोर्टेंट हूँ या जदि पिकोमीटर कन्वर्ट कराव पिकोमीटर जब कन्वर्ट कराव कारण सी पीएम रे देना एटा पिकोमीटर एटा जो पिकोमीटर जो सेंटीमीटर कन्वर्ट कराव कारण जो ये जो आसला एटा पिकोमीटर आसला आपको जो सेंटीमीटर कन्वर्ट कराव 1 × 6354 इंटु 255.6 जदि पिकोमीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट कला 10^-10 मल्टीप्लाई कराव क्लियर सीएम रो होल क्यू एंड 6.02 × 10^23 तो या समाधान कले के आस 6.34 ग्राम सीएम रो इनवर्स सीएम रो पावर -3 तो ये जो आसला 6.34 ये तो सिंपल क्यूबिक रो डेंसिटी देखेला बट से डेनसीटी कहते 8.95 आसा पड़े तो ये हम ना ये केवे भी हम ना
तो सेमती बीसीसी नेबा जदि बीसीसी नेबा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आर जेड होउछि केते ना आर जेड तुम जानचो यार जेड होउछि 2 तो डेंसिटी आगुर दे दीछि डी इज इक्वल टू सूत्र पड़िबा जेड इनटू एम बाय ए क्यू इनटू एन एम सबुड इंपोर्टेंट ए क्यू बाहर करिवारो अच्छा बीसीस रो सेडे जो ए क्यू आस्तला बीसीस रो मते सेही ए क्यू आसीबो नाही कारण बीसीसी पई जो फार्मूला थिला एबार जो रिलेशन थिला 4r इज इक्वल टू √3a तो जेहेतु 4r इज इक्वल टू √3m ताहले हमर आ हम ए दरकार ना तो 4r बाय √3 हे जीवो ए तार तो 4 इनटू r रो मूल्य देतला गिवन थिला r रो मूल्य केथा आस्तला 127 127.8 पिकोमीटर बाय √3 एंड √3 रो वैल्यू तुम जानचो 4 इनटू 127.8 बाय 172 तरा जर वैल्यू अबो 295.15 क्लियर क्लियर है ना 295.15 पिकोमीटर देन कौन कर हबो जत एथरो पळैसला एडा कौन पळैला ए पळैला एथरो पका वैल्यू जेड रो मूल्य बीसीसी पॉइंट 2 मास दिथला 63.54 ये गिवन अछि एंड ए क्यू पळैसला 295.15 पिकोमीटर 10 टू पावर माइनस 10 रे गुणा हबो र पावर 3 इनटू 6.03 कारण अभागर नंबर जो थाए 6.02 03 10 टू पावर 23 क्लियर तो केते आसीबो एडा जदी समाधान करिवो तो आसीबो 8.21 ग्राम पर सीएम र पावर माइनस 3 सेंटीमीटर राइट एतिक आसला तो ये जो डेंसिटी आसला ये डेंसिटी भी या सहित तो इक्वल नुह तो सो दैट जेहेतु या सहित तो इक्वल नुह 8.21 आसला तो या सहित तो जमारु इक्वल नुह त माने ये भी सही सवाल नो सिंपल नै कि बीसीसी मध्ये नै देन एफसीसी पके चेक करिवो एंड एफसीसी रो जेड होउछि 4 क्लियर एफसीसी रो जेड होउछि 4 एंड देखो आर जो रिलेशन थाए आर आउ भितरे √2a इज इक्वल टू 4r थाए ताले हम ए दरकार ए इज इक्वल टू 4r बाय √2 एठी जो वैल्यू थाए ए इज इक्वल टू 4 आर आर रो के देतला 127.8 पिकोमीटर देन बाय √2 √2 रो वैल्यू होची 4 इनटू 127 0.8 पिकोमीटर बाय रूट रो वैल्यू होची 1.414 ए आकु समाधान कला पर केते आसीबो 3614 पिकोमीटर देन कोन करिवो हमु दरकार डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इनटू एम बाय एन ए इनटू ए क्यू तो जेड रो मूल्य आसीबो 4 इनटू मास देतला 63.54 बाय एंड अभागर नंबर तुम जान 6.023 10 टू पावर 23 ये सेम 5 3 15 3 5 15 सब सेम तो इनटू ए क्यू रो वैल्यू अब 361.4 जो पिकोमीटर देछि ताको कोन करबो सेंटीमीटर कन्वर्ट 10 टू पावर 10 एठी क्यूब तो समाधान करले केते आसीबो 8.94 ग्राम पर सीएम रो पावर माइनस 3 तो ये आसीबा आंसर एफसीसी रो जोडा की पाखा पाखी और नियरेस्ट 8.95 रो वैल्यू सहित प्राय समान सो दैट ट्राई करिवो और निजे सॉल्व करिया पे सब केमती एंड आई होप बुझी पाथो जे केमती कोन करा हबे सब मैथ जदि बा किछि अबुझा रहला तो फिर कमेंट बॉक्स से कमेंट करो मु निश्चय हेल्प करी थैंक्स फॉर वाचिंग